नमस्कार सर, आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से ये बताने वाला हूँ कि आपके घर पे जो सिलाई मशीन चल रहा है, जिसे आप बड़ी सिलाई मशीन ले रखे हैं और चल रहा है, कभी कभी उल्टा चलने से धागा फंस जाता है तो आप धागा नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाने वाला हूँ, अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आपके सिलाई मशीन में धागा फंस गया है तो उसे आसानी से बगैर कि कहीं खोलने से और इसके बाद आसानी से आराम से आप धागा निकाल लीजिए और अपने घर पे यूज करिए अच्छी तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, बहुत अच्छा अच्छा मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं कि कैसे सिलाई मशीन का धागा शटल का निकालते हैं। तो देख सकते हैं यही सिलाई मशीन है, जिस सिलाई मशीन में बहुत बुरी तरीके से धागा फंस चुका है, इसके वजह से थोड़ा सा भी मशीन नहीं चल रहा है। आपके सामने देख लीजिए, मैं अभी पलट के आपको दिखा रहा हूँ कितना बुरी तरीके से इस शटल में धागा फंसा हुआ है। तो देख लीजिए, कभी भी आप उल्टा मत चलाइएगा सिलाई मशीन, उल्टा चलाने से धागा भी फंस जाता है और शटल जो है वो टूट भी जाता है। तो देख सकते हैं, अगर मेरे भाई इस प्रकार आपके सिलाई मशीन में कभी कभी धागा फंस जाता है तो आप कैसे निकालते हैं और कैसे निकालेंगे अच्छी तरीके से, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं निकाल लाऊं, निकालने से पहले मैं कुछ और ट्रिक बता देता हूं आपको कि ये काम मत करिएगा। कौन सा काम कि देख सकते हैं सामने आपको कुछ स्क्रो दिखाई दे रहा है, जो छोटा छोटा स्क्रो लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रो लगा हुआ है और एक छोटा सा स्क्रो इस तरफ यहाँ पे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक और स्क्रो लगा होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसके नीचे ये दो स्क्रो इधर हो गया है और एक स्क्रो और होता है, तीन स्क्रो इसमें लगा होता है। तो कभी भी आप एक काम करिएगा, स्क्रो मत खोलिएगा। जब भी आपको धागा फंसा हो तो यहाँ से आप सुई के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से आप निकाल लीजिए। और अगर शटल खोल देते हैं तो आप शटल नहीं सेट कर पाएंगे। अगर आपको जानकारी है तभी खोलिएगा, और अगर अचानक खोल भी देते हैं तो वीडियो पे मेरे भाई लास्ट वीडियो पर एक हमारा वीडियो आ जाएगा सामने, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। कभी भी अचानक आप शटल खोल देते हैं तो कैसे सेट करना है, ये वीडियो आप सबके सामने आ जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको अच्छी तरीके से ये बता देता हूँ कि कैसे क्या निकालते हैं। देख सकते हैं आप मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा और शटल सेट करने वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देख सकते हैं सुई ले लीजिए ऐसे, और चाकू ले लीजिए किसी भी कटर के माध्यम से, धीरे धीरे करके आप निकाल लीजिए। और अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे ये बोल्ट जो दिखाया था मैं अभी अभी थोड़े देर पहले, वो बोल्ट ढीला करके निकाल लेते तो हैं, मगर एक गलती हो जाता है उनसे कि उनकी सिलाई मशीन बार बार सुई तोड़ती है, सेट नहीं होता है, तो उनको दुकान पर ले जाना पड़ता है। तो अगर आप शटल खोलना चाहते हैं तो ज़रूर आप पहले उसकी जानकारी लीजिए फिर खोलिए। तो देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके और पूरी धागा को निकाल दिया हूँ। तो देख सकते हैं अभी निकल चुका है धागा, देख लीजिए धीरे धीरे करके निकाल दिया हूँ। और ये जो बोल्ट है ये नहीं खोला था मैं शटल का, और अगर आप खोलना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो देख लीजिएगा। तो देख लीजिए पूरा धागा निकल चुका है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे तेल डाल दीजिए और मैं अभी चला के दिखाता हूँ, अभी मैं चला करके सीधा करके अच्छे तरीके से चला के आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे भाई हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।